हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग राउंड वन के कट ऑफ के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि जोसा काउंसलिंग के राउंड वन का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 20 जून को जारी हो चुका है। इसके बाद काफी सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि राउंड वन में ओपन कैटेगरी, ST, SC, EWS इन सभी कैटेगरीज के लिए क्या कट ऑफ गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं IIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए कट ऑफ के बारे में। जो आप स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं ये ओपन कैटेगरी के लिए है, और हम IIT भुवनेश्वर की बात करते हैं तो उसकी क्लोजिंग रैंक है 3404, देन IIT बॉम्बे 68, IIT दिल्ली 116 क्लोजिंग रैंक, देन IIT खड़गपुर 414, IIT कानपुर 248 एंड IIT मद्रास 159। इसके अलावा अब बाकी IITs, NITs, GFTIs एंड IIIs और उनकी ब्रांचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पर विजिट कर सकते हैं। कट ऑफ चेक करना काफी आसान है। सबसे पहले आपको गिवन लिंक पर विजिट करना है, देन सिलेक्ट राउंड, इंस्टीट्यूट टाइप, ब्रांच एंड कैटेगरी। इसके बाद सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हैं। जिन IITs की डेटा की हमने बात अभी की है वो ओपन रैंक के लिए है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि राउंड टू और राउंड थ्री का कट ऑफ किस तरह का जाएगा। राउंड वन के कंपैरिजन में राउंड टू और राउंड थ्री में ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, लेकिन राउंड फोर एंड राउंड फाइव के कट ऑफ में काफी ज्यादा रैंक में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर द वीडियो। और आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल पर आपको सबसे पहले रिप्लाई मिलेगा जो शायद किसी और चैनल पर ना मिले। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ये चैनल आपको काउंसलिंग के टाइम और कॉलेज में काफी ज्यादा मदद करने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए।